हेलो दोस्तों, भारत में 6 जून को क्या होने जा रहा है। सिख रहनुमाओं ने बड़ा ऐलान कर दिया, भारत में खालिस्तान बनने जा रहा है। ये अब होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जी हां, आपको पहले बताते चलें, आखिर सिख आज़ादी क्यों मांगते हैं भारत से और क्यों अपना देश बनाना चाहते हैं। जी हां, जैसा कि आपको पता ही होगा कि सिख जो है पूरी दुनिया भर में काफ़ी तादाद में फैले हुए हैं। हर मुल्क में तकरीबन ये फैले हुए हैं, हर मुल्क में कोई ना कोई सिख आपको देखने को मिलेगा और इनकी अलग ही एक पहचान है। तो इसलिए ये लोग अपना एक अलग मुल्क भी चाहते हैं और इनके साथ जो भारतीय आर्मी ने करा, इस बात से इन्होंने जो है इस मूवमेंट में जो है ताकत पकड़ी है और इनको अब ये फैसला कर लिया है कि अब इनको आज़ादी ही चाहिए भारत से। जी हाँ, 1984 में आपको याद होगा कि भारतीय आर्मी ने जो है इनके टेंपल, इनके गुरुद्वारों में हमला किया और इनके गुरु वगैरह और काफ़ी लोगों को मारा पीटा और इनके गुरु और गुरुद्वारों की जब इंसल्ट की गई तो उसी के बाद से इस तहरीक ने दम पकड़ लिया और दुनिया ही भर में तब से एहतजाज होते चले आ रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने, सिख ने जो है 2020 को बहुत ही इम्पोर्टेंट साल करार दिया था कि इस साल से जो है हम एक इस तहरीक में नया जोश और वलवला लेकर आएंगे जिससे हम भारत से आज़ादी हासिल कर लेंगे। तो 6 जून को खालिस्तान फ्रीडम मूवमेंट के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये ऐलान किया है कि हम दुनिया भर में अब इसमें तहरीक में अपने जोश और वलवला लेकर आएंगे और जल्द से जल्द हम भारत से आज़ादी चाहते हैं। तो इसलिए अब वो पूरे ही देश भर में, पूरे ही मुल्कों में जो है अपने अपने प्रोटेस्ट को बढ़ा रहे हैं। और इतना ही नहीं बल्कि खालिस्तान फ्रीडम मूवमेंट के प्रेसिडेंट ने ये भी कहा है कि हमें जो है भारत से आज़ादी लेना ज़रूरी है क्योंकि हमारा कल्चर भी अलग है, इंडिया का कल्चर अलग है। तो इसलिए हम दोनों जो है चाहते हैं कि हमें जो है बिल्कुल प्यार से और बिल्कुल किसी लड़ाई झगड़े के बगैर हमें आज़ादी दी जाए। पर आपको बताते चलें, इस बार इंडियन गवर्नमेंट ने भी कुछ प्रोपेगेंडा करके रखा है। उन्होंने इस बार अपनी आर्मी को नहीं उतारना इस प्रोटेस्ट के खिलाफ, बल्कि अब अपने RSS के जो जवान, जो गुंडे होते हैं उनको भेजना है इन प्रोटेस्ट के बीच में और इन प्रोटेस्टों को नाकाम बनाने की कोशिश करनी है। तो अब देखना यह है कि क्या होता है भारत में, क्या खालिस्तान की फ्रीडम की मूवमेंट जो है वो जोर पकड़ती है, या तो फिर देखते हैं क्या इसी तरह चलता है, या तो फिर खालिस्तान बनता है या नहीं बनता। आपकी राय क्या है कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब